आज 135 केंद्रों पर सीटीईटी की परीक्षा हो रही है। 1,00,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से शुरू हुई है और वहीं दूसरी पाली की परीक्षा बात की जाए तो दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। तो सीटीईटी की परीक्षाएं आपको बता दें फिलहाल जारी है। पहली पाली की परीक्षा अभी चल रही है, वही दूसरी पाली की परीक्षाएं 2 बजे होंगी। तमाम जानकारी के लिए संवाददाता सुशील इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, बात की जाए तो परीक्षाएं अभी फिलहाल जारी है, पहली पारी की परीक्षाएं अभी चल रही है, जानना चाहेंगे क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि कोरोना काल के चलते अगर देखा जाए तो परीक्षाएं हो रही है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। सबसे पहले देखिए कनिका, बिल्कुल कोरोना काल की वजह से ये परीक्षा जो सीटेट की परीक्षा है वो 6 महीने देरी से हो रही है, यानी जो 6 महीने देरी से हो रही परीक्षा को लेकर के जो परीक्षार्थी थे वो काफी उत्साहित है। और गोरखपुर की अगर बात करें तो तकरीबन 108 केंद्र बनाए गए हैं जहां पे तकरीबन 1,00,000 से ऊपर परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे और इसको लेके पूरा रूट मैप तैयार कर लिया गया है। यानी 2 पाली में ये जो परीक्षा होगी, पहली पाली जो सुबह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक होगी और उसके बाद से 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक दूसरी पाली होगी, जिसको लेकर के चूंकि भीड़ होगी और परीक्षार्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसको लेके पूरी तरह से रूट मैप तैयार कर लिया गया है, डाइवर्जन किया गया। और साथ ही अगर परीक्षा केंद्रों की अगर बात करें तो वहां पे बाकायदे एक पर ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं जाएंगे, मास्क बिना लगाए कोई नहीं जाएगा, सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करके जाएंगे, यानी कोविड नियमों का पालन करते हुए पूरी एहतियात बरतते हुए आज वो परीक्षा पूरी 2 पालियों में कराई जाएगी। जी बिल्कुल, 2 पाली में परीक्षा कराई जा रही है। फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे कि 1 क्लासरूम उसमें कितने बच्चे बैठ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि देखा जाए सोशल डिस्टेंसिंग भी काफी मायने रखती है कोरोना काल के चलते अगर बात की जाए तो। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरी अगर बात करें प्रदेश में तो 135 शहरों में ये परीक्षा हो रही है और निश्चित रूप से कोविड काल को ध्यान में रखते हुए बाकायदे 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए, यानी आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 से ऊपर तक के केवल परीक्षार्थियों के लिए 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में एक एक कमरे में महज 15 से 20 लोगों को वो भी एक एक दूरी की गैपिंग करके रखा जाएगा, यानी एक जो त्रिभुज की तरह जो आकार होता है उस तरह से बना करके इन परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा और उसके बाद से इन्हें परीक्षा दिलाई जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि कोविड काल को देखते हुए भले ही ये परीक्षा लेट हुई है 6 महीने, लेकिन जो परीक्षार्थियों में जिस तरह से उत्साह था और जिस तरह से प्रशासन ने तैयारी की है परीक्षा को देखते हुए, खासकर कोविड-19 को देखते हुए, कि किसी प्रकार की कोई परेशानी भी न हो और परीक्षार्थी अपनी परीक्षा को भी दे ले, इसको लेकर के पूरी तरह से व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है और बाकायदे एक कोऑर्डिनेट किया गया है और एक जिम्मेदार अधिकारी को इसको तैनात किया गया है कि जिसको पूरी मॉनिटरिंग करते रहेंगे 2 पालियों की परीक्षा को लेकर के। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फिलहाल।